या तो आप वन चाइना पे नहीं हैं या आप झूठे हैं, दोनों में से एक है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चाइना के हवाले से बड़ी हमारी पोजीशन वाजे रही है, जबकि हम अमेरिका के बड़े करीबी अलाई भी थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और हमें बड़ा स्टेटस दिया हुआ था उन्होंने, तब भी चाइना के हवाले से हमारी पोजीशन बहुत वाजे थी। अब तो हम उनके किसी ब्लॉक में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कॉल करते हैं तो आगे से वेंडी शर्मन उनसे बात करती हैं। बज़ाहिर तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने रीच आउट किया, लेकिन कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि अब वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर ख़ारजा से ही ये बात करनी चाहिए थी। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, वज़ीर ख़ारजा से बात करता है। और अगर वेंडी शर्मन से बात कराया, और वो औरत आपको याद होगा वो इधर से गुजर के गई थी, और हिंदुस्तान में जो उसने बयान दिया था कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन के लिए, हम उनके साथ बस एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बेसिकली है अफ़गानिस्तान के बारे में, और उससे लाजा कुछ नहीं है, तो आप लोग फिक्र ना करें, वो तो उनको सीधा बम्बई में पब्लिकली कहा। तो मेंडी शर्मन ने तो बता दिया आपको कि वेयर दिस, आपने उसको फ़ोन करके, मुझे समझ नहीं आ रही क्या एक्सप्लेनेशन देना था आपको, आपने तो एक डेढ़ दो सफ़े का एक्सप्लेनेशन दे दिया है फॉरेन ऑफिस के थ्रू, और क्या करना था आपको। और अगर फिर बगर अगर उसने फ़ोन किया है और आपने फ़ोन ले भी दिया है तो फिर ठीक किया आपने, आपने सीधी बात करनी थी एक लिहाज से आपने किया है। आपने उनको कहना था कि हम तो सोच रहे थे तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी जो है, हमने तो बड़ी उसकी तारीफ़ की थी, मगर आपने तो उसको जाके अंडरमाइन कर दिया है। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम समझते हैं ताइवान चाइना का हिस्सा है। तो हम कहते तो वो बड़ा अच्छा मौका मिलता उनको कहने, वाह बड़ा अच्छा मौका है, मगर डेमोक्रेसीज में ताइवान है मगर चीन नहीं है। और चले आप चीन को अगर नहीं बुला सकते, हाउ कैन यू कॉल अ पार्ट ऑफ चाइना अलग उनके टू सच अ फंक्शन, मेक्स नो सेंस। या तो आप वन चाइना पे नहीं हैं या आप झूठे हैं, दोनों में से एक है ना।